खबर आगरा से है, जहां एक डॉक्टर का बेटा कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके चलते डीएम प्रभु एनके सिंह ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई और प्रशासन के सभी जिम्मेदार विभागों को ज्यादा अलर्ट रहने की बात कही। डीएम ने कहा कि डॉक्टर पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह बात छुपाने की कोशिश की थी। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने 25 लोगों को आइडेंटिफाई कर एसएन मेडिकल कॉलेज में आइसोलेट कर दिया है। वही बाकी लोगों की जानकारी की जा रही है कि इस कोरोना मरीज के संपर्क में कौन कौन लोग आए थे। ये जो नया केस आया है, ये अमेरिका से लौटे थे, 20 तारीख को एयरपोर्ट पे आए थे एवं यहाँ पे पिछले 5 दिनों से होम क्वारंटाइन थे। इनका डिटेल निकाला जा रहा है, जो इनको कहा गया था उन्होंने पालन किया है कि नहीं किया है। अलग से हमारी कॉन्टैक्ट सर्वेलेंस टीम, RRT एवं विजिलेंस की टीम, तीनों लगी हुई है इनका निकालने के लिए। एक्सपेक्टेड है इनके पास जो इनके पेरेंट्स थे और उस नर्सिंग होम में जितने भी लोग थे, 26 लोगों को लेके उनको हमने अलग से क्वारंटाइन कर लिया है। आज उनका सैंपल ले रहे हैं, जैसा रिजल्ट आएगा या जैसा सिम्टम होगा आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इन सबको कहाँ रखा गया है, जो 26 लोग हैं? अभी हमने अपने एसएन मेडिकल कॉलेज में बुला लिया था उनको, अभी वहाँ रखा हुआ है। अभी यह जांच का विषय है, एक बार हम आश्वस्त हो जाएंगे उसके बाद ही फर्दर एक्शन लेंगे। डॉक्टर की फैमिली है, दोनों फादर एंड मदर अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, तो जो हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे उम्मीद है कि उन्होंने पालन किया होगा, बिकॉज रिजल्ट से खुद ही पता चल जाएगा अगर केस एक भी स्प्रेड होता है तो। अगर नहीं किया हुआ है या हमें अभी आज जो हम अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसमें कुछ लगेगा तो फिर आगे कार्रवाई की।